सीरीज का ट्रेलर सरप्राइज नहीं कर पाया, लेकिन सीरीज पूरी तरीके से सरप्राइज कर गई। मैं तो यहाँ पे शॉक हो गया कि सीरीज में ये भी हैं। अब कौन है ये तो मैं आगे बताऊंगा। तो गाइज, मैंने अनाड़ी का पार्ट वन देखा जो उल्लू के ऐप पर रिलीज किया गया था। अब इस सीरीज में मुझे क्या अच्छा और क्या बुरा देखने को मिला, क्या ये पार्ट वन आपके लायक है या फिर नहीं, यही मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हेलो एंड स्वागत है आप सभी का। आप लोग यहाँ पे उल्लू के ऐप पर एक नई एक्ट्रेस की तलाश में थे ना, तो यहाँ पे उल्लू वालों ने प्रोवाइड करा दिया। और आप लोग उल्लू ऐप के अंदर कोई अच्छी मसालेदार सीरीज देखना चाह रहे थे, तो फाइनली वो रिलीज हो गई है। जी हाँ, अनाड़ी का पार्ट वन काफ़ी अच्छा मज़ा आप लोगों को देकर जाता है। ऊपर से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस सीरीज में हम लोगों को प्रिया गामरे भी देखने को मिलेंगी। जी हाँ, इस सीरीज में आप लोगों को प्रिया गामरे भी देखने को मिलती हैं, जो एकदम भयंकर रूप में नजर आने वाली हैं। अब जब मैंने यहाँ पे प्रिया गामरे का नाम लिया तो मुझे नहीं लगता इस सीरीज को कोई इग्नोर करेगा। इग्नोर करना भी नहीं चाहिए, आपके लायक ही उल्लू वालों ने इस सीरीज को बनाया है। सीरीज की स्टोरी के साथ साथ सीरीज के जितने सारे सीन दिखाए गए वो भाई मजेदार हैं। सीरीज को आज 11 जुलाई को रिलीज कर दी गई है उल्लू के ऐप पर। और गाइज, इस पार्ट वन में आप लोगों को 3 एपिसोड अभी देखने को मिलते हैं, जिसकी टाइम ड्यूरेशन 20 से लेकर 25 मिनट के बीच आप लोगों को करके दिखाई जाएगी। सीरीज का हर एक एपिसोड आप लोगों को अच्छा मजा देकर जाएगा, तो सीरीज को आप लोग मिस करने की सोचना भी मत। रह गई बात सीरीज की स्टोरी की, तो सीरीज की स्टोरी में गाइस आप लोगों को एक लड़का देखने को मिलेगा जो शरीर से काफी बड़ा है लेकिन दिमाग से उतना ही छोटा है। इसकी माँ इसकी शरारतों से परेशान है, इसी के कारण वो इस लड़के की शादी एक लड़की से करवाना चाहती है। अब शादी के बाद क्या होता है और शादी से पहले क्या होता है, ये जानने के लिए गाइस आप लोगों को सीरीज को देखना होगा। जो कह रहा हूँ एकदम डायरेक्ट कह रहा हूँ, सीरीज की स्टोरी से आप लोग गाइज उतनी ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप लोग इस सीरीज को सीन की वजह से देखना चाहते हो, प्रिया गामरे की वजह से देखना चाहते हो, नई एक्ट्रेस की वजह से देखना चाहते हो, तो मैं कहूंगा जरूर एक बार तो इस सीरीज को आप लोग चेकआउट कर सकते हो। जाओ एक बार सीरीज को जाकर देखो, मजा ना आए तो फिर कहना कि भाई ये तूने क्या दिखा दिया। तो बस ये था वो रिव्यू जो मैं आप लोगों को देना चाहता था, तो इसी के साथ मैं चलता हूँ।